गुड मॉर्निंग क्लास, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है एसएन कोचिंग क्लास के ऑनलाइन चैनल पे। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टर, ठीक है ना, पानी और टंकी। चलिए तो पानी और टंकी हम स्टार्ट करेंगे। जो क्लास टाइमिंग मेरी शाम में हुआ करती थी, वो क्लास टाइमिंग हमने जो है मॉर्निंग में ही ट्रांसफर कर दिया है। एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम है आने जाने को लेकर के, है ना। बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं है मार्केट में, जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने जो है अपनी क्लास को मॉर्निंग में ही शिफ्ट कर लिया, ताकि हमको एक ही बार आना पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी। इस पे हमने डिस्कस कर चुके हैं, और ये मेरी दूसरी क्लास है, सेकेंड क्लास है, और इससे पहले भी हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे आधारित ही होता है पाइप एंड सिस्टम भी, ठीक है। चलिए जल्दी से आप सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। अरविकांत चौरसिया, आकांक्षी गौतम, काजल सिंह, प्रिंस गुप्ता और नैना सोनी, सभी लोगों का वेलकम है, और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। देखिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, तो हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दो नल है जो किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ये हो चुका है। नौ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 करना था, है ना। हाँ ये यस, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 से हमको स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन करवा चुके थे पहली क्लास में, ये मेरी दूसरी क्लास है, और यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक पाइप है जो किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पाइप है जो किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक है जो 5 घंटे में भर सकता है, और दूसरा है जो 4 घंटे में खाली कर देगा। ये टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग आपको टाइम दे देते हैं। टाइम हमने आपको दिया हुआ 1 मिनट का, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग 1 मिनट के अंदर जल्दी से सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा, जल्दी बताइए। एक पाइप किस टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा जो पाइप है वो 4 घंटे में ही उसको खाली कर देगा। तो यानी खाली करने वाला नल क्या है, फास्ट काम करो, क्षमता अधिक है, ठीक है। तो यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है, कितने घंटे में खाली हो जाएगी भाई, ठीक है। वैष्णवी गुप्ता सी है, आकांक्षी गौतम का भी आंसर 20 आवर्स आ रहा है, 20 आवर्स यानी ऑप्शन सी, ओके। नैना सोनी 20 आवर्स, वेरी गुड, वेल डन। बाकी लोग भाई बताइए, 10 सेकंड और बचे हैं, ओनली 10 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। देखिए चलिए आपका टाइम हो चुका है, अब हम बताने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पे दो नल हैं, एक नल ए है जो टंकी को भरता है और 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो टंकी को खाली कर सकता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने का मतलब होता है माइनस साइन, भरने का मतलब होता है प्लस साइन। दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, है ना। तो हम ये कहेंगे कि 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, यानी 4 लीटर भरेगा, कितना भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, है ना, 4 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। दूसरा का करेंगे कितना आएगा, 4 × 5 = 20, यानी -5, यानी मतलब क्या हुआ, 5 लीटर पानी खाली करेगा 1 घंटे में। पहला वाला जो नल है, जो भरने वाला, देखिए टंकी में नल ऐसे बना है, ये टंकी आपकी है, ठीक है, टंकी आपकी यहाँ पे है, एक नल ऊपर है जिसका नाम दिया गया है ए, ये करता क्या है, ये भरने का काम करता है, भरने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन एक नीचे नल लगा है बी, ये नल कौन है, बी, जो इसकी पेंदी में लगा हुआ है ना। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये नल ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे ये खाली करने वाला है ना। तो हम कहेंगे ये पानी को खाली कर रहा है, नीचे पानी को गिरा रहा है। हम कहेंगे जो ये नल है, ये 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 4 लीटर, ये कितना खाली करेगा,
पांच लीटर, यानी कि चार लीटर भरा पांच लीटर खाली, यानी कि खाली अधिक हो रहा है, भर कम रहा है। भरने वाला नल पतला है तो धीरे धीरे भर रहा है, एक घंटे में चार लीटर पानी भर रहा है, एक घंटे में पांच लीटर पानी खाली कर दिया, तो खाली करने वाले नल की क्षमता अधिक होगी। हम कहेंगे दोनों यदि मिलकर चलेंगे, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, टंकी पूरी भरी हुई, टंकी पूरी भर गई है, टंकी पूरी भरी हुई टंकी में, भरी हुई टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया गया, तो क्या होगा, टंकी और भरेगी खाली होगी। हम कहेंगे प्रति घंटा एक घंटे के अंदर पानी का लेवल क्या होगा, एक लीटर और गिरता हुआ चला जाएगा। पानी का लेवल क्या होगा, हर घंटे गिरेगा पानी लेवल, हर घंटे गिरेगा, कितना गिरेगा, एक लीटर प्रति घंटा पानी लेवल गिरेगा। चार लीटर भरा पांच लीटर खाली, कितना आया, माइनस वन। हम कहेंगे दोनों की मिलाकर जो क्षमता हो जाएगी ना, माइनस वन होगी। माइनस साइन क्या शो करता है, खाली होगी, टंकी खाली होगी। तो हम कहेंगे कितना खाली करना है, हम कहें टंकी की क्षमता कितनी है, बीस लीटर है, तो एक घंटे में एक लीटर पानी खाली करेगा, तो बीस लीटर पानी खाली करने में बीस घंटा लग जाएगा। ठीक है, हम ये कहेंगे ट्वेंटी लीटर पानी खाली करवाना है, क्षमता कितनी है दोनों को मिला के, एक लीटर कर लेंगे, एक लीटर भाग देंगे कितना आएगा, 20 घंटा, टंकी जो है 20 घंटे में खाली हो जाएगी, आया कि नहीं आया भाई। ठीक भाई, क्या आंसर आएगा, आवाज चेंज लग रहा है सर आपका, आवाज सही है, ठीक है, पर जुकाम कम हो गया था, है ना। तो क्या आंसर आएगा भाई, 20 आवर्स आपका आंसर आएगा ना सर, मजा आ रहा है आज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, मजा आएगा। तो आया कि नहीं है बताइए, आया कि नहीं है, है ना। हम कहेंगे पांच पांच से भाग दिया चार आया, चार से भाग दिया पांच आया, चार लीटर प्रति घंटा भरेगा, ये पांच लीटर पानी प्रति घंटा खाली करेगा, दोनों का कंबाइंड क्षमता कितना आया, माइनस वन। माइनस साइन क्या शो करता है, टंकी खाली होगी, तो खाली खाली कितने घंटे में होगी, तो हम कहेंगे कुल क्षमता कितनी है टंकी की, बीस, अब खाली कितना हो रहा है, एक लीटर प्रति घंटा, एक से भाग दे लेंगे, तो काम बटे क्षमता कितना आएगा, समय आ गया बीस घंटा। क्लियर भाई, हो गया ना, कर लेंगे ऐसे। गुरदीप सिंह गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये है, दिया गया है नल एबीसी, हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, लग रहा है मिस्टेक हो गया होगा, है ना, ये नहीं है। दिया गया है नल एबीसी मिलकर, नल एबीसी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, है ना, एबीसी तीनों मिलकर के किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि अकेला नल ए से 30 मिनट में तथा अकेला नल बी से 40 मिनट में भर सकता है, तो अकेला नल सी से भरने में कितना समय लेगा, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोला गया है कि यदि ए बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 मिनट में भर जाएगी, जबकि नल ए अकेला यदि भरेगा तो अकेले भरने में इसको लगते हैं 30 मिनट, ठीक है, तथा अकेला बी इस टंकी को 40 मिनट में भर देगा। पूछा गया है कि नल सी अकेले इस टंकी को कितने मिनट में भर देगा, नल सी से अकेले कितने घंटे में भर देगा, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, आ रहा है ना, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है, बताए नल सी से अकेले कितने घंटे में भर देगा या कितने मिनट में भर देगा, यह आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइम आपका स्टार्ट है, बताएं क्या आंसर आएगा। यस, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एबीसी तीनों नल मिलकर के एक साथ टंकी को 10 घंटे में भर देंगे, नल ए अकेले 30 मिनट में भर देगा, नल बी से 40 मिनट में भर देगा, तो अकेले सी से कितने मिनट में भर देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारा दोस्तों बताइए क्या आंसर आएगा। यस, धीरज पाठक का 24 आ रहा है, विनय शुक्ला कुशवाहा का आंसर 40 मिनट है, गुरदीप सिंह 20 है, शेल्फिना का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, अच्छा धीरज पाठक का 24 आ रहा है, ओके देखते हैं। अक्षय गौतम 40 मिनट, ओके। अब चलिए टाइम आपका समाप्त होने वाला है, अब हम बताते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला काम लेंगे एलसीएम,
तो इसका एलसीएम जो आएगा कितना है, तुम लगता है 4 × 10 = 12 है ना, यानी कि 120 कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं ठीक। तो 10 से काटेंगे ना, भाग देंगे कितना आएगा 12 बार, 30 से भाग देंगे तो 4 बार, और 4 से भाग देंगे तो 3 बार। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे, क्षमता, ये क्या दिया गया, ये दिया गया क्षमता है ना। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी तीनों की मिलाकर जो क्षमता है वो कितनी है, 12 की है। ए बी सी तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 12 की है। और अकेले जो ए है उसकी क्षमता 4 की है, अकेले ए की क्षमता 4 की है, और अकेले बी की क्षमता कितनी है, 3 की है। तो ए बी सी तीनों की क्षमता 12 हो गई, अकेले बी ए की क्षमता 4 की है, और अकेले बी की क्षमता 3 की है। हम कहेंगे अकेले ए हो गया 4, अकेले बी हो गया कितना, 3, और तीनों मिलाकर कितने हैं, 12। तो 4 × 3 = 60, 60 ही हो गया। तो सी कितना रहेगा, सी कितना रहेगा, ताकि ए बी सी तीनों का मिला के 12 आ जाए। हम कहेंगे 4 × 3 = 60 हो चुका है, 5 और जोड़ लेंगे, 12 पूरा हो जाएगा। यानी ए की 4 है, बी की 3 है, सी कितना होगा, 5 होगा। सी का कितना होगा क्षमता, 5 का हो जाएगा। तो सी 5 का हो गया, करा पूरा टंकी भरवाना है अकेले सी से, पूरा काम करवाना कितना है, 120। पूरा टंकी की क्षमता कितनी है, 120। तो पूरी टंकी की क्षमता हो गई है 120 की, ये पूरा 120 भरवाना है, किससे भरवाना है, सी से अकेले। सी की क्षमता कितने दिया है, 5 का, 5 से भाग मिलेंगे ठीक है, 5 × 10 = 10 कितना बचा भाई, यहाँ पे 2 बच गया, 5 × 20 कितना रहेगा, 24। 24 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी, 24 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी, अकेले सी उस टंकी को भरने में 24 मिनट का आंसर लेगा ठीक है ना भाई, 24 आंसर आ जाएगा। रोहित कुमार जी ध्यान दीजिएगा, गुरदीप सिंह 40 नहीं 24 आंसर आएगा, बढ़िया। दया सिंह का सही आंसर है, शलीना का आंसर सही है, और बाकी धीरज पाठक, आकांक्षी गौतम को 40 आया था, नहीं 24 आएगा। चले चले आगे भाई, या तो बढ़िया ना, कर लेंगे यहां तक, वेरी गुड वेल डन ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, ये 3 नल है एबीसी जो एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोदे जाए तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एबीसी 3 नल दिए गए हैं, तीनों नलों की टाइमिंग दिया गया है, टाइमिंग दिया गया 4 घंटा, ये दिया गया 6 घंटा, और ये दिया गया है 12 घंटा ठीक है। तीनों मिलके काम करेंगे टंकी कितने देर भर जाएगी, तीनों मिलके काम करेंगे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, यह आपसे पूछा गया, बताइए क्या आंसर आएगा अभी, यस जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इसका प्लीज। यदि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अन्य बच्चों को, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया करिए ठीक है, करते नहीं है आप लोग। चलिए 20 सेकंड और है, ओनली 20 सेकंड और बचे हुए हैं, 20 सेकंड और बचे हैं, जल्दी बताएं। जल्दी बताइए मेरे प्यार बच्चों क्या आंसर आएगा, ओनली 5 सेकंड बचे हुए हैं, ओनली 5 सेकंड और हैं। चलिए अब बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखिएगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा भाई, कहेंगे देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12 है ना, तो 4 से भाग देंगे 3 बार, 6 × 12 = 12, और 12 × 1 = 12। तो हम ये क्या करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे, 3 × 2 = 5 = 6, तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई, 6। तीनों मिलाकर जब चलेंगे एक साथ तो 6 लीटर पानी भरेंगे एक घंटे में, कितना भरवाना है 12, तो कुल काम हो गया 12 का, क्षमता हो गई 6 की, 6 × 12 = 12। हम कहेंगे 2 घंटे का समय लगेगा और टंकी पूरी भर जाएगी, 2 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या भाई देखिएगा, हाँ क्वेश्चन ये दिया गया है, बताइए 2 पाइप क और ख किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, एक अन्य पाइप ग टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, पहले क और ख को खोला जाता है, उसके बाद 7 मिनट के बाद ग को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने मिनट में भरेगी ठीक है ना, कितने मिनट में भरेगी, ये दिया गया है
क मींस क्या ए, ख मींस क्या बी, ग फिर ग मींस क्या सी, और ए मींस क्या हुआ क मींस ए, है ना, फिर क्या हुआ बी, ठीक है, ये क्या हो गया सी, है ना, क ख ग मींस क्या होता है ए बी सी, ठीक है। दो पाइप ए और बी है इस टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में, तो कह रहा है ए और बी किस टंकी को क्रमशः 36 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य पाइप सी जो है टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फिर हम बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए। यस बताइए भाई, कंसी आप मॉर्निंग बैच की है ना, बिल्कुल प्रिंस गुप्ता 2 आवर्स आंसर आएगा, अच्छा बताइए क्या आंसर आएगा। चालीस मिनट और बचे हुए, ओनली 40 मिनट लेफ्ट, क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यस 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आएगा, ओनली 5 सेकेंड्स बचा हुआ है, जल्दी बताएं, कोई नहीं बता पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है क्या आंसर आएगा भाई, चलिए किसी ने नहीं बताया आंसर ना, चलिए अब हम बताने जा रहे हैं क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम करना क्या यहाँ पे है, ए बी सी है, तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम हमको लग रहा है आएगा 180, है ना, 180 आएगा, ठीक, तो 36 से भाग देंगे तो 5 का 30 जीरो, 5 बढ़ जाएगा ना, ठीक, 45 भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 3 6 का 18 यानी 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, ये हो गई क्षमता। तो हम कहेंगे जो ये जो मिला है इधर क्या मिला है, क्षमता मिला, तो नल ए जो है, नल ए की जो क्षमता है वो भरने वाली, नल ए भरने वाला है प्लस में होगा, नल बी भरने वाला है प्लस में होगा, नल सी खाली करने वाला है तो माइनस में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए और बी को खोला जाता है उसके 7 मिनट बाद सी को खोला गया, यानी ये बोल रहा है कि ए और बी पहले पहले किसको खोला गया है, ए और बी को खोला गया, कब तक कर रहा है 7 मिनट तक, तो 7 मिनट तक यदि काम करेंगे ए और बी दोनों मिलके, तो 7 मिनट में बताइए, मान लीजिए टंकी है, ये टंकी है ना, ये आपकी टंकी है, यहाँ पे एक नल लगा है, एक नल यहाँ पे लगा है नीचे, इस नल का नाम जो रखा गया है सी, एक नल यहाँ पे है जिसका नाम है ए, एक नल यहाँ पे है जिसका नाम क्या है बी, तो ए और बी भरने वाले हैं, ये ए और बी क्या कर रहे हैं भरने वाले, सी क्या कर रहा है खाली करने वाला, तो कहा ये रहा है कि स्टार्टिंग के 7 मिनट तक, स्टार्टिंग के 7 मिनट तक केवल ए और बी खुले में, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी जब खुले में है तो कितना पानी भर देंगे, केवल ए और बी खुले में, तो ए और बी 7 मिनट तक खुले में है, तो 7 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो हम कहेंगे ए भरेगा 5 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर प्रति मिनट, दोनों मिलकर कितना भरेंगे 5 4 9, दोनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 लीटर प्रति मिनट भरेंगे, कितना भरेंगे 9 लीटर प्रति मिनट, तो 7 मिनट में कितना भरेगा, 7 × 9 कर लो, 9 7 63, यानी हम कहेंगे टोटल जो पानी भरेगा वो कितना भरेगा 63 लीटर जो है पानी भर चुका रहेगा, यानी इस टंकी में 7 मिनट के दौरान कितना पानी भर चुका है 63 लीटर पानी भर चुका है, लेकिन जैसे ही नल सी को खोलेंगे तो अब क्या हो गया, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, जब तीनों एक साथ चलेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा देखते हैं, हम कहेंगे तो 5 4 9, 9 भरा और 6 खाली, तो कितना भरा 3 लीटर ना भाई, तीनों की मिलाकर जब क्षमता निकालेंगे तो हम तीनों को मिलाकर 5 4 9 प्लस में हो गया माइनस 6 कितना आया प्लस 3, तीनों का मिलाकर क्षमता कितना आएगा प्लस 3, तो हम ये कहेंगे यदि ए भी काम करने लगे, बी भी काम करने लगे और सी भी काम कर रहा है, सी काम करने का मतलब क्या हुआ, सी पानी को निकाल रहा है, इसका मतलब तीनों का जो क्षमता होगा वो कितना जाएगा 5 4 9 - 6 यानी कि प्लस 3, तीनों का जो क्षमता मिला के आएगा वो कितना आएगा प्लस 3 आ जाएगा,
तो कह यह रहा है कि यदि उसके 7 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, कितने मिनट में भरेगी। अब हमको बताइए कि काम भर टंकी को भरने के लिए 63 लीटर पानी भर चुका है, 180 टंकी की क्षमता है, कितना बचा भी पानी भरने में कितना बचा हुआ है, हम कहेंगे 63 + 7 = 70 + 80 कितना आएगा 17, यानी कि 117 कितना बचा है 117 लीटर पानी भरना बाकी है। हम कहेंगे 180 लीटर पानी की क्षमता है, 63 लीटर पानी भर चुका है, शेष कितना भरना बाकी है, शेष जो बचा वह बचा है 117, 180 - 63 कितना बचा है 117, तो 117 170 लीटर पानी भरना बाकी है। इसको कौन भरेगा, तीनों मिलके भरेंगे, तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 3 की, 3 से करेंगे भाग, काम बटे में क्षमता भाग कर लेंगे, 3 × 9 और 3 × 2 = 27 कितना आएगा 39, कितना आएगा 39 मिनट। तो बोला गया है टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, हम कहेंगे 39 मिनट में टंकी भर जाएगी, कितने मिनट में भाई 39 मिनट में टंकी भर जाएगी। पूछा गया क्वेश्चन में उसे 7 मिनट बाद गॉग को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ठीक है, टंकी जो है भरने में, देखिए जब सी को खोला गया उसके बाद 39 मिनट में भर जाएगी, 39 मिनट टंकी भर जाएगी, ठीक है भाई, टैंक इज फिल्ड अप इन, तो आंसर आ जाएगा 39 मिनट में टंकी भर जाएगी, आया कि नहीं बताइए। हाँ, यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि कुल कितना समय लगा टंकी भरने में, कुल कितना समय लगा, तो हम कहते हैं 39 मिनट ये और 7 मिनट पीछे वाला, कितना आएगा 48 आता ना, इसे ऐसे आपका नहीं 46 यदि 39 + 7 कितना आएगा 46, यदि ये पूछता कि कुल कितना समय लगा तो हम क्या बोलते 46 मिनट का समय लगा, लेकिन बोला कितने बग को खोला गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो बग को यानी सी को खोलने के बाद 39 मिनट का समय लगेगा, ठीक है भाई। हाँ, गुरदीप सिंह कह रहे हैं सर एक बार और, 117 से आया, 117 कहां से आया, ओके ध्यान दीजिए, देखिए इनका कहना यह है, चलिए एक बार हम और समझा रहे हैं आपको, एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन लोग आया अच्छी बात है, जिन लोग नहीं आया ध्यान देंगे, फिर बता रहे हैं, हम कहेंगे ए और बी दो पाइप है, एक सी भी है, ए जो है भरने वाला है 36 मिनट और बी जो है भरता है 45 मिनट और जो सी है वह खाली करने वाला है 30 मिनट में खाली करता है 30 मिनट है ना, हम कहेंगे 180 आ जाएगा इसका लॉस, तो हम भाग देंगे यहाँ पे 36 से तो 5 बन जाएगा, अब 45 भाग देंगे तो कितना जाएगा 45 भाग देंगे 45 का ना 4 बन जाएगा, ठीक है, और 30 भाग देंगे तो 3 × 6 बन जाएगा, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, खाली करने वाला, इतना सही है ना, इतना सही है। हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में ए और बी खोल दिया गया, स्टार्टिंग में ए और बी खोला गया, अब कब तक 7 मिनट तक ए और बी चलते रहे, तो 7 मिनट में ए और बी 5 × 4 = 9 दोनों मिल के जो है 9 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, तो 7 मिनट चलेंगे तो 7 मिनट में कितना पानी भर लेंगे, हम कहेंगे 9 × 7 = 63, तो हम कहेंगे 63 लीटर पानी टंकी में भर चुका है, 63 लीटर पानी टंकी में भर चुका है, शेष पानी कितना बचा, तो कहेंगे शेष मात्रा निकाला, शेष पानी जो भरना बाकी है वो कितना भरना बाकी है, टंकी की जो कुल क्षमता है वो है 180 का, ठीक है, 63 भर चुका है, कितना भरना बाकी है 117 भरना बाकी है, इसी 117 को भरने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब क्या है, अब नल सी को भी खोल दिया गया है, तो हम कहेंगे यदि ए बी सी, यदि ए को बी को सी को तीनों की क्षमता ए बी सी की क्षमता मिला दी जाए कितनी हो जाएगी 5 × 9 भरा 6 खाली किया कितना भरा +3 है ना, तो हमें कहेंगे कि ए प्लस बी माइनस सी तीनों की जो मिलाकर जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी +3 की क्षमता हो जाएगी, तो कहा गया है कि जो पानी अभी बचा हुआ है जो भरना बाकी है उस पानी को भरने में कितना समय लगेगा, भरना कितना बाकी है, हम कहेंगे 117 भरना बाकी है ना, क्षमता कितनी है तीनों के मिला के 3 की है, भाग दे लेंगे 3 × 9 = 27 कितना है 39 मिनट, यानी शेष जो पानी बचा हुआ है उसको भरने में 39 मिनट का समय और लगेगा, बोले भाई आया कि नहीं आया, ठीक है, अब कितने मिनट में भर जाए गया तब ना, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन जो है ग को खोल दिया जाता है टंकी कितने समय मिनट में भर जाएगी, देखिए टंकी कितने मिनट भरेगी, तो हम ये कह सकते हैं हाँ आंसर 46 ही आएगा, 46 इसलिए आएगा
क्योंकि पूछा नहीं है, शेष पानी के लिए नहीं पूछा हुआ है, टंकी कितने मिनट भरेगी। तो टंकी जो है 7 मिनट पहले लिया है, 39 मिनट बाद में लिया है, तुम लगा के 46 मिनट, तुम लगा के 46 मिनट। यस, ऑप्शन सेकंड सही मानेंगे, ए को सही नहीं मानेंगे, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन सही है। हाँ 46 ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया आप, ठीक, वेरी गुड। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए वो ये है। हाँ, क्वेश्चन ये दिया गया है कि दो पाइप ए और बी, एक टंकी को, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। क्या बोला गया है, दो पाइप है ए और बी, ए है और बी है, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और बोला गया है 45 मिनट में भर सकते हैं, है ना। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। जल पाइप, जब पाइप सी, जब हो गया, जब पाइप सी उस टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, जो सी है उसे खाली कर सकता है 36 मिनट में, ठीक है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है, टैंक कुल कितने समय में भरेगा। सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब तो फिर आपने टाइम दिया गया है 1 मिनट का, बताइए। यस, बताएं क्या आंसर आएगा भाई। बता दीजिए, सर पहले ही बोला था, समझ में आ गया सर, बताइए। 30 सेकंड और बचे हैं, 30 सेकंड बचे हुए, जल्दी बताइए। सेम टाइप का प्रश्न है, 30 सेकंड और बचे हुए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। यस, बोलिए भाई क्या आंसर आएगा। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, है ना। चलिए टाइम आपका ओवर हो चुका है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180। तीनों का जो एलसीएम आने वाला है वो 180 आएगा। 3 से भाग देंगे 6 बार, 45 से भाग देंगे 4 बार, 36 भाग देंगे 5 बार। यानी कि ए है भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, माइनस, है ना। तो आप जो पहले पहले जो खोला गया टंकी में, तो कह रहा कि ए और बी दोनों खोला गया, ए और बी दोनों खोलेंगे तो ए और बी की क्षमता है क्या, 6, 4, 10, 10 की क्षमता से भरेंगे, है ना। ए और बी की जो क्षमता है वो +10 की होगी, और जब +10 की होगी तो हम ये कहेंगे जो +10 दोनों मिलके 10 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में। दोनों को खोला गया कितने देर के लिए, दोनों को 12 मिनट के बाद सी खोला गया, 12 मिनट के बाद सी खोला गया, यानी कि ए और बी 12 मिनट के दौरान में कितना पानी भर चुके हैं, कितना पानी भर चुके हैं, तो हम कहेंगे ये भर चुके हैं 120 लीटर। कितना आएगा, 120 लीटर पानी भर चुके हैं। शेष पानी कितना बचा है, जो शेष पानी भरना बाकी है वो कितना बचा है, तो हम कहेंगे कुल क्षमता है 180 का, 120 भर चुका है, कितना बचा, 60 लीटर, है ना। 60 लीटर पानी शेष भरना बाकी है, इसको कौन भरेगा, तो कहा गया अब सी को भी खोल दिया, अब सी को भी खोल दिया गया, यानी ए और बी पहले से थे, अब सी भी खोल चुका है, तो कहेंगे तीनों का मिलाकर क्षमता कितना होगा, 6, 4, 10, 10 भरा 5 खाली, कितना भरा 5, तीनों का मिला के जो क्षमता आएगा वो +5 में आएगा, क्योंकि +4, +6, +10 हुआ, +10, -5 कितना आएगा, +5, तीनों का मिला के जो क्षमता आएगा वो +5 का आएगा। तो कहा गया अब जो शेष पानी बचा हुआ है उसको भरना है, तुम कहेंगे क्षमता कितनी है, क्षमता हो गई 5 की, 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 12, कितना आएगा यहाँ पे, 12 आएगा, तुम कहेंगे 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो शेष पानी को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा, लेकिन पूरा करा है कि टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, टंकी कुल कितने समय भरने का मतलब हुआ कि 12 मिनट होगा ये, हम कहेंगे 12 मिनट तो पहले चला है, 12 मिनट ए और बी चले हैं, फिर 12 मिनट और बाद में लगा है, 12 मिनट पहले लगा था, 12 मिनट शेष पानी को भरने में लगा है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, कुल मिलाकर हो जाएगा 24 मिनट का समय। तो 24 मिनट समय यानी कि
ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आएगा 24 मिनट। ठीक है भाई, वेरी गुड सलीमा, सलीना, ठीक है, वेरी गुड राज, जया सिंह, वेल्डन, वेल्डन, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर आएगा 24 मिनट में, टैंकी पूरा पूरा भर जाएगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दो नलियां हैं पी तथा क्यू, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, दो नलियां हैं, दो टैप्स हैं, दो पाइप्स हैं, 20 मिनट में भर सकती हैं, यदि पी उसी को अकेले 30 मिनट में भर सकती है तो क्यू अकेले उसे कितने समय में भर सकती है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। बोला गया दो नलियां हैं पी और क्यू, दोनों मिलकर टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, जबकि अकेले पी उसको भर सकती है कितने मिनट में, 30 मिनट में, तो क्यू अकेले भरेगी तो कितना समय लगेगा, अकेले क्यू उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर के भरते हैं 20 मिनट में और अकेले पी भरेगा तो 30 मिनट में, तो क्यू अकेले उसको कितने समय में भर सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यू अकेले उसको कितने मिनट भर सकती है यह आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मेरे प्यारे दोस्तों बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं भाई, यस डी डी डी, ओके क्या आंसर आएगा, 30 सेकेंड्स, ओनली 30 सेकेंड बचे हुए हैं, ओनली 30 सेकेंड बचे हुए हैं, राज का ऑप्शन बी आ रहा है, गुरदीप सिंह का डी आ रहा है, ओके जल्दी बताएं, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट, ओनली 10 सेकेंड बचा हुआ है, ओनली 10 सेकेंड्स, 60 मिनट्स, इंद्रजीत पंडित का आंसर आ रहा है, नैना सोनी बताइए भाई। चलिए आप लोगों का टाइम समाप्त हो गया, आप लोगों का टाइम समाप्त हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, नैना सोनी का आंसर है 60 मिनट, शू सलीना का आंसर बी है, देश पाठक 60। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा, देखिए अब करना क्या इसमें है, हम कहेंगे दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम आएगा 60, भाग देंगे 20 से ना, तो 20 × 60 तीन बढ़ गया, भाग देंगे 30 से, 30 गुना के 60 दो बढ़ गया, इस प्रकार से हमने जो है भाग दे लिया, किससे भाग दिया हमने भाई यहाँ पे, तो 60 आ गया एलसीएम, तो 20 और 30 से हमने कर लिया, तो ये क्या मिला, क्षमता मिल गया, ये क्या मिला हमको, ये मिल गया हमको क्षमता, तो हम ये कहेंगे कि P और Q दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 3 की, तो P की क्षमता कितनी है, 2 की, P की क्षमता 2 की हो गई, तो Q कितना होगा, 1 होगा, तो P यदि 2 हो गया तो Q 1 होगा, तो मतलब P और Q मिला के 3 होगा। ठीक है, यानी कि Q की हमने क्षमता निकाल ली 1 की, है ना, अब पूछा गया है कि Q पूरे काम को अकेले कितने समय में कर लेगा, हम कहेंगे कुल काम है कितना, 60 का, कुल काम हो गया 60 का बटे Q की क्षमता कितनी है, 1 की, 1 से भाग दे लेंगे, कितना आंसर आएगा, 60 मिनट, क्या आंसर आएगा भाई, 60 मिनट में क्यू अकेले भर लेगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चले आगे ना, वेरी गुड वेल डन, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको ये, हाँ क्वेश्चन आपके सामने है, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइएगा, एक पाइप मान लेते ए है जो इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, प्लस एक दूसरा नल है जो बी है मान लेते हैं इसको खाली कर सकता है 5 घंटे में, खाली कर सकता है, टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है और दोनों को खोल दिया गया है, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए, टाइम हमने दे दिया है 1 मिनट का, जल्दी करें। गुरदीप सिंह बताइए भाई क्या आंसर आएगा, ओनली 40 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30 सेकेंड बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर, जल्दी से
ऑप्शन बी धीरज पाठक का, ऑप्शन ए आ रहा है। विनय कुशवाहा का आंसर कितना भाई? ए है। चलिए अब आप लोगों का टाइम जो है वो समाप्त होने वाला है, मेरा टाइम स्टार्ट होने वाला है। अब चल रहे हैं, बताएंगे आप लोगों को क्या आंसर इसका आएगा, है ना? अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या यहाँ पे होगा आपको कि हम कहेंगे दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका? 40, है ना? 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 5। भरने वाला है ना प्लस 10, 5 बटे 40, खाली करने वाला है -8। ये जो हमको मिला यहाँ पे, ये जो मिला है क्या मिला हमको? क्षमता मिला। ए की क्षमता प्लस 5 की है और बी की क्षमता -8 की है ना, खाली करने वाला है। टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। देखिए टंकी है, ये क्या है? टंकी है। टंकी यदि पूरी भरी होगी तो, टंकी यदि पूरी भरी होगी तो इसमें कितना पानी आएगा? 40 लीटर। टंकी यदि पूरी भरी होगी तो उसमें 40 लीटर पानी आएगा, लेकिन कह ये रहा है इसमें दो नल लगे हुए हैं। एक नल यहां लगा है ऊपर की तरफ जो टंकी को भरने का काम करता है, और एक नल यहां पर लगा है नीचे ऐसे, ठीक है, जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है ना, जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक, पानी यहां से इसमें आएगा, पानी इसमें गिरेगा नीचे। तो यह कह रहा है कि दो नल है, एक नल ए है जो कि भरने वाला है 5 लीटर प्रति मिनट घंटे पानी भर सकता है, और ये 8 लीटर पानी प्रति घंटा खाली कर सकता है। अब हमको बताइए कि ये 5 भर रहा है या 8 खाली कर रहा है, तो कुल मिला के क्षमता कितना आएगा? दोनों का कुल मिला के क्षमता कितना आएगा? +5 -8 यानी कि -3। ये ना आएगा भाई -3। कुल मिलाकर के टंकी खाली होगी। कुल मिलाकर टंकी कितनी होगी? कुल मिलाकर दोनों को एक साथ खोल भी देंगे ना, टंकी खाली होगी। कितना खाली होगी? 3 लीटर प्रति घंटा पानी का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब कह ये रहा है इसमें टंकी का कितना भाग भरा है? 3/4 भाग टंकी भरी हुई है। 3/4 भाग टंकी भरी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? कुल पानी की टंकी कुल क्षमता है कितनी? 40 की। टंकी की कुल क्षमता 40 लीटर की है। टंकी की कुल क्षमता 40 लीटर की है, लेकिन टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी का 3/4 भाग भरा है। 3/4 भाग भरने का मतलब होता है 4 दहा में 40, 10 दहा में 30। टंकी में पानी कितना भरा है? 30 लीटर। टंकी में पानी जो भरा हुआ है कितना भरा हुआ है? 30 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना भाई? 30 लीटर टंकी में पानी भरा हुआ है। यदि 30 लीटर पानी भरा हुआ है और दोनों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? हम कहेंगे खाली कितना करवाना है? 30 को खाली करवाना है। 30 को बटे में दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता कितनी है? 3 की। 3 की रफ्तार से पानी का लेवल गिरेगा। 3 लीटर खाली हो रहा है 1 घंटे में, तो 30 लीटर पानी खाली करने में 3 दहा में 30 यानी कितना लगेगा? 10 घंटे का समय लग जाएगा, 10 आवर्स। यदि दोनों को टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है और दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे ना, टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। टंकी 10 आवर्स में खाली हो जाएगी। भाई आ रहा कि नहीं आ रहा? बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा है? बताएं आप लोग जल्दी से, लाइक दबाइए, बटन लाइक दबाइए, लाइक लाइक का बटन दबाइए और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी करें, लाइक दबाएं और बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है तो लाइक का सिंबल बना दीजिएगा, नहीं आ रहा तो लिखिए नो, नहीं आ रहा है लिखिए नो, और आ रहा है लाइक का बटन दबाइए। हाँ, क्या आंसर आएगा? 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ऑप्शन सेकेंड जो बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, गुरदीप सिंह ने लाइक बटन दबा दिया है, वेरी गुड। इंद्रजीत पंडित जी ने भी लाइक बटन दबा दिया है। ठीक है भाई, आ रहा है ना? सही है, बढ़िया है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कैसा करते हैं आप लोग। आकांक्षी गौतम ने भी बटन दबा दिया है, बादल जी भी ने बटन दबा दिया भाई, बाद में कमेंट नहीं टपकाए बादल, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, करें आप लोग क्या आंसर। दो नलिकाएं हैं, दो टैप्स हैं, दो नल हैं, जो एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है ना,
दो टैप है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। टैप जो एक्स है वह टंकी को 24 मिनट में जो है भर सकता है, और टैप वाई है जो टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोदी जाए तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। देखिए कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दें, लेकिन वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर दें ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए, ताकि टंकी 18 मिनट पूरी भर जाए। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क में आपने ऐसा प्रश्न किया था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि ए और बी दो दोस्त थे, दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कितने दिन बाद बी काम छोड़कर भाग जाए ताकि ए को पूरा काम करना पड़े। सेम टाइप का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न ये भी है, केवल यहाँ पे दो लड़कों के जगह पे दो टाइप्स, दो नल का नाम लिया गया है। अब बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं एक मिनट का, एक मिनट के अंदर आपको आंसर दे देना है, ठीक है, जल्दी करें। जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए, केवल 30 सेकंड और बचे हुए हैं, ओनली 30 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है धीरज पाठक जी, 20 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दो नलिका है ए और बी है, 24 मिनट बच में बढ़ सकती हैं, बताइए। चलिए तो अब देखते हैं क्या इसका आंसर है। देखिए लॉस कितना है, हम कहेंगे 8 चौका 32, 8 लिखे 24 है ना, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना है, आंसर आएगा एलसीएम कितना आएगा, 3 × 6 और 3 × 98 ना, 96 आपका एलसीएम बन जाएगा, 96 आपका एलसीएम बन जाएगा। तो कहेंगे कि एलसीएम हो गया 96 का, तो 24 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, अब 32 भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x की ये क्या है क्षमता, 4 और 3 जो निकला है वो क्या निकला है, x और y की क्षमता है। अच्छा अब बताइए हमको कह रहा है कि यदि दोनों नलिकाओं को एक साथ खोला गया तो y को कितने मिनट के बाद बंद कर दे, यानी कि मतलब ये हुआ कि दो नल तो एक साथ चल रहे हैं लेकिन y को बाद में बंद कर दिया गया, y को बंद कर दिया गया, यानी कि कौन चल रहा था, x स्टार्टिंग से खुला था और लास्ट तक चला कौन, a, तो a कितना देर तक चला, कह रहा है कि कितनी देर बाद बंद कर ताकि टंकी 18 मिनट में पूरा भर जाए, टंकी को 18 मिनट में भरना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नल x है वो 18 मिनट तक कंटिन्यू चला है, कंटिन्यू चला हुआ है। हम कहेंगे कि नल x के द्वारा, नल x के द्वारा जो है भरा गया पानी, भरा गया पानी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे नल जो है स्टार्टिंग से ले करके लास्ट तक यानी कि 18 मिनट चला है, कौन, नल x, x 18 मिनट चला होगा तो ये एक मिनट में कितना बार भरता है, 4 लीटर, x की क्षमता कितनी है, 4 की है, तो 4 लीटर प्रति मिनट, तो 18 मिनट कितना बढ़ेगा, 72 बढ़ चुका, 72 है ना, 72 लीटर पानी भर चुका होगा, नहीं उस दौरान, उस 18 मिनट के दौरान में 72 लीटर पानी भर चुका है, कितना पानी बचा, हम कहेंगे कितना पानी बचेगा भाई, 96 टोटल है, 72 प्लस 8 कर लेंगे 80, अब प्लस 16 कर लेंगे, 16 4 20 24 है ना, 24 जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी 24 शेष कितना बचा, 24, तो शेष पानी कितना बचा है, 24 का। देखिए कुल पानी 96 था, 96 पानी में से 72 लीटर पानी नल x भर चुका है, कितना पानी बचा, 24, उसको उस शेष पानी को किसने भरा होगा, उसको b ने भरा होगा, सॉरी y ने भरा होगा, हम कहेंगे 24 को भरना है y के द्वारा, y क्षमता है कितनी, 3 की, 3 से भर लेंगे, 3 बटे 24, यस, तो 8 मिनट, यानी कि स्टार्टिंग में 8 मिनट तक जो है b ने भरा होगा, 8 मिनट इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आया कि नहीं है भाई, आया कि नहीं आया, एक बार बोल दीजिए भाई आप लोग, ठीक है। चल देखिएगा, अब नहीं समझ आया बताएं फिर से, देखिएगा फिर से बता रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि नल एक्स है, नल वाई, एक्स उसको भरेगा 24 मिनट के अंत में और उसको वाई भरेगा 32 मिनट में, एलसीएम निकालेंगे ना 96 आएगा, और 24 से भाग देंगे, 24 का 96 होता है, 32 तीन 96 होता है, ये भर रहा है, ये भी भरने वाला ही है, ठीक है। अब कहा क्या गया यहाँ पे कि एक्स और वाई दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ देर बाद वाई को बंद कर दिया गया, और इसके बाद यहां तक किसने काम किया, एक्स वाई दोनों ने मिलकर काम किया, इसके बाद कौन काम कर रहा है, केवल एक्स काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, केवल एक्स काम कर रहा है, कुछ देर बाद वाई को बंद कर दिया गया और केवल एक्स काम किया। हम ये कहेंगे कि टैंकी कितने देर भरी है, टैंकी स्टार्टिंग से लास्ट तक 18 मिनट में भरी है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भरा है, इसका मतलब एक्स ने 18 मिनट कंटिन्यू चला है, तो इस 18 मिनट में, इस 18 मिनट में एक्स कितना पानी भर लेगा, हम कहेंगे एक्स की क्षमता है कितनी, 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर पानी भरेगा एक मिनट में, तो 18 मिनट में कितना पानी भर लेगा भाई, तो एक्स जो है 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, तो 18 मिनट तक चला होगा, 18 चौका 72 लीटर पानी भर देगा। हम ये कहेंगे कि इस दौरान में यहां से लेकर यहां तक एक्स कंटिन्यू चला है, तो एक्स ने कितना भरा, एक्स ने 72 लीटर पानी भर दिया, शेष कितना पानी बचा, जो शेष पानी बचा होगा उसको वाई ने भरा होगा, तो शेष पानी कितना बच गया, तो 96 में से 72 माइनस कर लेंगे, 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, ठीक है ना, 9 में से 7 का कितना बचेगा 2, तो शेष पानी कितना बचा 24 लीटर बचा, इस 24 लीटर को पानी किसने भरा होगा, इसने भरा होगा वाई ने, स्टार्टिंग वाई भी तो चला है, स्टार्टिंग में वाई भी तो चला है, इस तो इसी दौरान स्टार्टिंग में ही इस 24 लीटर पानी को भरा होगा किसने, वाई ने भरा होगा, कितना समय लिया होगा, हम कहेंगे समय देखिए 3 लीटर पानी भर रहा है एक घंटे में, 3 लीटर पानी भरेगा एक घंटे में, तो 24 लीटर पानी भरेगा 8 घंटे में, सिंपल सी बात भाई, 24 को भाग दे लेंगे किससे, 3 से, कितना आएगा 3 8 24, यानी 8 घंटे का समय और लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा, यानी जो स्टार्टिंग में जो वाई रहा होगा उसे 8 घंटे में पानी भर दिया होगा 24 लीटर, और उसको बंद कर दिया गया होगा, तो क्या आंसर आएगा भाई, 8 आंसर होगा, ठीक है, हाँ 8 मिनट आंसर होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है भाई, ओके कर लेंगे आप लोग, तो आप लोग आंसर क्या आएगा, 8 मिनट, तो सॉरी 8 घंटा आएगा, घंटा नहीं मिनट है ना भाई यहाँ पे, तो आंसर आएगा मिनट में आएगा सर, आंसर आएगा मिनट में, घंटा नहीं आएगा मिनट, ठीक है, तो 8 मिनट आपका आंसर बन जाएगा 80 मिनट, ठीक है भाई, चले आगे, बढ़िया तक है, चलिए वेरी गुड, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई की आप लोगों ने, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे कल, टाइम एंड वर्क में लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक क्लास और लेंगे टाइम, सॉरी पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी पे एक क्लास हम और लेंगे, ठीक है ना, उसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, चलिए तो आज के इतना ही, ओके बाय, गुड डे, थैंक यू सो मच।